अगर आपने वर्चुअल प्राइवेट कैटलॉग क्रिएट करनी है तो पहले आपके पास बेस कैटलॉग होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे है जी एक कैट ओनर के नाम से यूजर है और उसमें कैटलॉग क्रिएट की हुई है। तो उसके बाद अगर आपने वर्चुअल प्राइवेट कैटलॉग क्रिएट करनी है तो एक यूजर बनाएं और उसको रिकवरी कैटलॉग ओनर का रोल दे दें। तो यही करते हैं हम। जी जी सर, हमने इस पे एएसएमबी बनाया हुआ है जबकि आप हमें जो प्रैक्टिस करा रहे हैं वो सिस एडमिन से करा रहे हैं। सिस एडमिन से सिस डीबीए से। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन सेव हो रही है वो तो हमारे लोकल इंस्टेंस पे हो रही है या एएसएम वाले इंस्टेंस? नहीं, एएसएम इंस्टेंस पे। अभी तो अभी हम कनेक्ट ही नहीं हुए ना, अभी तो हम पिछले दो क्लासेस में सिर्फ ओरेकल के इंस्टेंस पे काम कर रहे हैं। एएसएम पे हमने वहां तक किया था जिसमें हमने डिस्क ग्रुप क्रिएशन की थी और उसके बाद उसके बाद हमने उस पर अभी काम नहीं किया। अच्छा, ये सारा जो जो डीबी है हमारी, हाँ जी, वो क्रिएटेड तो एएसएम पे है ना? हाँ, क्रिएटेड एएसएम पे। तो ये जो हमारा बैकअप है वो कहाँ पे रखते हैं? वो तो लोकल डिस्क पे रखते हैं। हाँ, तो वो लोकल डिस्क पे रखते हैं, जो वो जहाँ मर्जी हो बैकअप तो आप जहाँ मर्जी ले। ठीक है, एएसएम पे ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि एएसएम तो उसके अंडरस्टैंडेबल है ही नहीं ना सर, क्योंकि हमारी जो बैकअप फाइल्स होती है वो बेसिकली तो वो शायद ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होती है। नहीं नहीं, आप अपना डेटाबेस का बैकअप एएसएम के डिस्क ग्रुप के ऊपर भी रख सकते हैं जो एग्जिस्टिंग एलोकेटेड है। हाँ, उस पे अगर जगह है सफिशिएंट तो वहां पे रख लें। डिस्क ग्रुप को एक आप एक पार्टीशन समझे, पार्टीशन उस पार्टीशन पे आप जहाँ जितनी मर्जी फोल्डर्स बना के उसमें फाइल रखें, उसको हम सर ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस से एक्सेस नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। 11G रिलीज 2 ऑनवर्ड अवेलेबल है लेकिन 11G रिलीज 1 तक नहीं आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते। ऑनवर्ड वो जो ना एएसएम का अपना जो फाइल सिस्टम है उसको माउंट करा सकते हैं आप। हाँ, वो देखेंगे उसको। ठीक है, ओके। मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ VPC1 आइडेंटिफाइड बाय VPC। ठीक है, इसको भी वही रोल देना पड़ेगा रिकवरी एंड उसको कैटलॉग एंड उसको ओनर VPC1 आर्मेन पे आ जाएंगे। आर्मेन कैटलॉग आर्मेन कैट लास्ट टाइम इसी यूजर में हमने कैटलॉग क्रिएट की थी। ठीक है, अब हम सिंपली ये करेंगे ग्रांट नहीं हमने करना है ग्रांट रजिस्टर डेटाबेस टू VPC1। हम ये करेंगे कि जो VPC यूजर बनाया है उसको हम ये राइट्स दे देंगे कि वो अपनी डेटाबेस रजिस्टर कर ले कैटलॉग के अंदर। तो हम करेंगे ग्रांट रजिस्टर डेटाबेस टू VPC1। अच्छा, उसके बाद हम इसको ये भी देंगे, ये तो लेट्स से नई डेटाबेस रजिस्टर कर सकता है रिकवरी कैटलॉग के अंदर अगर हमने ये दे दिया। तो लेट्स से कैटलॉग में ऑलरेडी कोई डेटाबेस रजिस्टर्ड है तो उसका अगर हमने देना है कि ये VPC1 के अंडर आ जाए, उसकी ओनरशिप में आ जाए, तो हम करेंगे ग्रांट कैटलॉग फॉर डेटाबेस, आगे डेटाबेस का नाम तो आगे VPC जैसे हमने वन बनाया। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटाबेस है माई डीबी के नाम से, मैं चाहता हूँ ये माई डीबी की जो डेटाबेस है ये VPC1 यूजर जो है उसका बैकअप रिकवरी के ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो मैं करूंगा ग्रांट कैटलॉग फॉर डेटाबेस माई डीबी टू VPC1। तो अब ये VPC1 को हमने राइट्स दे दिए कि वो नई डेटाबेस भी रजिस्टर कर सकता है और ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड डेटाबेस के राइट्स भी उसी को दे दिए कि वो उनके बैकअप एंड रिकवरी के टास्क परफॉर्म कर सकता है। अब VPC यूजर जब बैकअप एंड रिकवरी करेगा वो करेगा जी आर्मेन कैटलॉग VPC1 और एट द रेट डेटाबेस का नाम, कैटलॉग वाली डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो यहां पे वो करेगा पहले सबसे पहले कनेक्ट होके करेगा क्रिएट वर्चुअल प्राइवेट कैटलॉग है या क्रिएट वर्चुअल कैटलॉग, उसके पास वर्चुअल प्राइवेट कैटलॉग बन गई है। अब अगर वो करता है लिस्ट बैकअप, सॉरी उसको टारगेट डेटाबेस से कनेक्ट होना पड़ेगा भाई, कनेक्ट टारगेट स्लैश लिस्ट बैकअप डेटाबेस, तो अब इस डेटाबेस के बैकअप से इसको नजर आना शुरू हो जाएगा। जी सिर्फ बिल्कुल ऐसे ही
अगर दूसरा हो तो फिर हमें एट द रेट देना है या ये पहले रजिस्टर करेगा सर, इसमें क्या करना है? अगर हमने दूसरी टारगेट हमारा रिमोट है तो हमने सीक्वेंस क्या लिखना है एट द रेट करके देखें। आपने लेट से वीपीसी, अगर आपकी बिल्कुल प्राइवेट कैट लागू रिमोट डेटा किसी मशीन के ऊपर है, आप एक लैपटॉप से आपने आर्मेन का टूल इन्वोक किया क्योंकि आपके पास क्लाइंट इंस्टॉल हुआ होगा, तो फिर आपके पास आपके लिए टारगेट डेटाबेस भी रिमोट है और कैटलॉग वाली भी डेटाबेस है, तो आपको दोनों की वो टीएनएस एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, वो बनाएंगे और एट द रेट करके उस टीएनएस एंट्री का नाम दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल माई टीवी। इसी तरीके से अगर आप टारगेट से कनेक्ट होंगे तो फिर आप ये करेंगे कनेक्ट टारगेट से उसका पासवर्ड एट द रेट डेटाबेस का नाम। मेरे केस में टारगेट डेटाबेस भी है और कैटलॉग डेटाबेस भी है। मैं कहता हूँ वो सर्विस बनाएंगे, वो अपने पास सर्विस बनाएंगे। ठीक है, तो अब जब ये बैकअप एंड रिकवरी करेगा तो आपने सबसे पहले तो बेस कैटलॉग बनानी है, वो हमने लास्ट टाइम बना ली थी, और फिर आपने रिकवरी कैटलॉग ओनर का रोल देना है अपने नए यूजर को, उसको फिर आपने रजिस्टर्ड डेटाबेस के राइट्स देने हैं। ऑलरेडी कोई डेटाबेस है तो उसके राइट्स भी उसको देते बेशक, और उसके बाद उस यूजर से कनेक्ट हो क्रिएट वर्चुअल कैटलॉग करे, वो वर्चुअल कैटलॉग बना लेगा। और अगर आपने वर्चुअल कैटलॉग 11G से पहले वाले क्लाइंट्स के लिए बनानी है तो फिर आपको कैट ओनर डॉट आरटीबीएमएस अंडरस्कोर आरसीबी कैट डॉट क्रिएट वर्चुअल कैटलॉग ये इस पैकेज के थ्रू करनी पड़ेगी। क्लियर है? और अगर आपने डेटाबेस रजिस्टर करनी है तो कनेक्ट टारगेट कैटलॉग और आगे यूजर नेम पासवर्ड और रजिस्टर डेटाबेस करें, और फिर अगर आपने इसको यूज करना है तो दोनों से कनेक्ट होकर बैकअप डेटाबेस या पब्लिक की कमांड बनाए, वो यूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, दैट्स ऑल अबाउट।